हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किड्स लंच बॉक्स सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं अलग अलग लंच बॉक्स से क्या क्या रेसिपीज हम भर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में, वो सिखाऊंगी। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए बहुत है। आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आटा गूँथ लेते हैं। तो आज मैं मुगलाई पराठा बनाने जा रही हूँ। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैदा लिया है, ज़रूरत के अनुसार नमक डाला है और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इन सबको आपस में मिक्स कर दीजिए और पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। आटे को हम ऑयल डाल के मसल लेंगे और इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, या फिर नहीं टाइम हो तो 10 मिनट के लिए रखते। और यहाँ पे हम मसाला रेडी करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 ऑनियन मीडियम साइज़ के मैंने एकदम छोटे कट करके डाले हैं। इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए और ऑनियन हमें ट्रांसलेंट हो जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ऑनियन ट्रांसलेट हो गए हैं 2 से 3 मिनट में। अभी हम वेजेस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कैबेज लिया है, इसको भी मैंने एकदम छोटा चॉपर में कट कर लिया है। गाजर भी 1 कप है, इसको कद्दूकस कर लिया है। 1/4 कप फंसी है, फ्रेंच बीन्स। तो ये सब हम हार्ड वेजिटेबल्स पहले डाल देंगे और इसको चला लेंगे। हार्ड वेजिटेबल्स 3 से 4 मिनट तक हम सौते करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। फ्लेम हमें लो नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है और बार बार चलाना है। इसके बाद हम 1/2 कप कैप्सिकम डालेंगे और 1/2 कप यहाँ स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और 1 टेबलस्पून हरा लहसुन डालेंगे। लहसुन मेरे पास अभी अवेलेबल था इसके लिए डाला है, वरना टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं डालें तो भी चलेगा। 1 टेबलस्पून मिर्ची को मैंने छोटा कट करके डाला है। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। इसके बाद नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 2 पिंच ही हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी ही लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ सिका हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे या फिर पाव भाजी मसाला भी आप डाल सकते हो। इन मसालों को अच्छे से मिला लीजिए और 1/2 नींबू का रस मैंने निचोड़ा है। आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आधी चम्मच शक्कर भी डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और 2 आलू मैंने कुकर में उबाल लिए थे। तो इसको हम कद्दूकस करके इसके अंदर डालेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इन सबको अच्छे से पहले आपस में मिला लेंगे और ये स्टेज के ऊपर गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अभी पनीर अगर आपके पास है तो आप पनीर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या फिर चीज़। हम यहाँ पे 2 क्यूब जितना चीज़ डालेंगे, ये प्रोसेस चीज़ है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और खूब सारा धनिया डालेंगे, वो बच्चों के आँखों के लिए धनिया बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारा फिलिंग जो है रेडी हो गया है। अभी हम आटे को फिर से मसल लेंगे और इसकी एक रोटी जितनी लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे। लुई को आटे में डिप, सूखे आटे में डिप करके हम जितनी हो सके उतनी पतली रोटी बना लेंगे। तो ये थोड़ी बड़ी ही रखिए ताकि पराठा जो है हमारा बड़ा बन के तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे चकला की जितनी ही रोटी बनाई है उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून फिलिंग भर देंगे और इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। यहाँ पे बीच में, बराबर बीच में ही हमको स्क्वायर शेप देना है। इसके बाद सूखा आटा ऊपर थोड़ा सा छिड़के, और मैं जिस तरह से फोल्ड करती हूँ ना, इस तरह से आपको फोल्ड करना है, बीच में गैप नहीं छोड़ना है। अच्छे से उसको खींच के इस तरह से बीच में लाना है और लास्ट का भी हमें थोड़ा सा खींच के एकदम सेंटर में लेके आना है ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दीजिए, हल्के हाथों से। ये हमारा पराठा जो है बनके तैयार हो गया है। इसको हमें जो साइड फोल्ड किया है ना, वो तवे के ऊपर रख के सेकना है। सबसे पहले हमें वो साइड रखनी है। तो एक साइड थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद पलट दीजिए और वो साइड पे हम घी लगा देंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं और ऑयल भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लगाइए। पर घी से टेस्ट अच्छा आएगा और क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से अलटते पलटते हम दोनों साइड पे घी लगा के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते करते हम पराठे को सेक लेंगे। ये
ये पराठा लंच बॉक्स में देने के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें से फिलिंग बाहर नहीं निकलेगा और बच्चों को खाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो अच्छे से कुछ भी हाथ बिना बिगाड़े अच्छे से खा सकेगा। तो इस तरह से अलटते पलटते मैंने इसको सेक लिया है। और फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अभी मैं दूसरा शेप आपको दिखाती हूँ। इसी पराठे में मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बीच में फिलिंग को भरा है, तो आपको इसी तरह से ट्राइंगल में फिलिंग भरनी है। ये शेप बहुत ही आसान रहता है बनाने में। अभी एक साइड से फोल्ड कीजिए, इसके बाद दोबारा उसके बाजू की साइड को फोल्ड कर दीजिए और लास्ट साइड को इसी तरह से अंदर दबाते हुए थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए ताकि फिलिंग इसमें दिखे नहीं। अभी हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लीजिए। हमारा पराठा जो है वो तैयार है। और इनको भी हम फोल्ड की हुई साइड पे ही पलट के हम तवे के ऊपर डालेंगे। और इसको भी घी लगा के अलटते पलटते और दबा के सेक लेंगे। तो हमारा ट्रायंगल शेप का भी मुगलाई पराठा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, लंच बॉक्स में बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और एकदम इजी है बनने में। अगर आप वेजिटेबल्स रात को कट करके रख देंगे तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी तरह की रेसिपी, अगर आपको लंच बॉक्स रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और कौन सी रेसिपी आपको लंच बॉक्स में सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपके आइडियाज़ भी मुझे दे सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके साथ मैंने 2 टीस्पून शेजवान सॉस और 2 टीस्पून टोमेटो केचप को मिक्स कर लिया है साथ में खाने के लिए, जो इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।